गाइस, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने फिर से कंटिन्यू किया था हमारे आर्डिनो सीरीज़ ट्यूटोरियल को, यानी कि आर्डिनो जो प्रोग्रामिंग का हम लोग सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे उसको हम लोगों ने फिर से कंटिन्यू करने स्टार्ट किया लास्ट की वीडियो में। उस वीडियो में मैंने बताया था एक बेसिक ब्लिंक प्रोग्राम, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्टेप अप किया था और बताया था कि फोर लूप का यूज़ करते हुए हम लोग LED को फेड कैसे कराते हैं। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप का यूज़ हम लोग अपने प्रोग्राम में कैसे करते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल से समझाऊंगा और बाकी आप लोगों को जब मैं कोड और आगे बनाऊंगा एक रियल लाइफ कोड, रूम ऑटोमेशन जो भी कोड होता है बनाऊंगा, तो गाइज़ उसमें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सारे कोड कैसे काम करते हैं। तो चलिए गाइज़ वीडियो को हम लोग शुरू तो करते गाइस हैं। टाइम को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले से ही कोड को बना कर रखा है। तो चलिए गाइस हम लोग कोड को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे लाइन बाय लाइन कि हमारा कोड कैसे काम करेगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कोड को कॉपी कर लिया। अब चलिए इसे लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं कि ये कोड कैसे काम करेगा। सबसे पहले आप लोग सबसे फर्स्ट नंबर लाइन पर आप लोग देखेंगे मैंने कोई सा भी वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आज की वीडियो में मैं कोई आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड करूँगा लेकिन उसमें कोई LED या कोई स्विच का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने भी डिफाइन नहीं किया। डायरेक्ट मैं वॉइड लूप सेटअप जो फंक्शन होता है उससे मैंने स्टार्ट किया है। तो गाइज ये बात को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वॉइड सेटअप नाम का फंक्शन क्या काम करता है। तो इसके अंदर जो मैंने प्रोग्राम लिखा है सीरियल डॉट बिगिन 25000, तो ये क्या काम करता है? तो चलिए गाइज सबसे पहले इसको समझते हैं हम लोग कि ये काम क्या करता है। आज की वीडियो में मैं ना कोई LED लगा रहा हूँ, ही कोई स्विच लगाने वाला हूँ अपने प्रोग्राम में। तो इसके लिए मैं सीरियल मॉनिटर का यूज़ करने वाला हूँ। तो जब भी हम लोग सीरियल मॉनिटर का यूज़ करते हैं या एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर हमारे कंप्यूटर में, तो इसके लिए हम लोगों को सीरियल जो मॉनिटर है उसको हम लोगों को इनिशियलाइज़ करना पड़ता है सीरियल पोर्ट को। तो इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए हम लोगों को एक बिल्ट इन जो फंक्शन मिलता है आर्डिनो IDE में वो है सीरियल डॉट बिगिन। उसके बाद पैरेंथिस के अंदर हम लोग कुछ नंबर देते हैं, जैसे कि इसका लिमिटेड वैल्यू नंबर है 9600250000, और भी बहुत सारे नंबर हैं, आप लोग सेटिंग में जाकर देख सकते हैं वो क्या नंबर है। तो मैंने हाई स्पीड नंबर को यूज़ किया है। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग चलते हैं वॉइड लूप। अब वॉइड लूप का क्या काम करता है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं होगी। इस डायरेक्ट हम लोग इस वॉइड लूप के अंदर वाले लाइन में चलते हैं हम लोग। एक मैंने वेरिएबल बनाया इसके अंदर जो कि लोकल वेरिएबल है। अब लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग चाहें तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाक देख सकते हैं। तो चलिए गाइज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम दिया सम, इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ किया। अब मैंने ज़ीरो से इनिशियलाइज़ क्यों किया इसको, अगर मैं यहाँ इसको डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे इंट सम, लेकिन हमारे प्रोग्राम में क्या होता है कि बहुत सारे गार्बेजेस पहले से रहते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको इनिशियलाइज़ नहीं किया यहाँ पे। तो इसके अंदर कोई सा भी वैल्यू स्टोर हो सकता है, अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है 3, 4 एंड सो ऑन। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ किया है ज़ीरो से। अब होगा क्या इसमें कि सम नाम का जो मैंने वेरिएबल बनाया उसमें ज़ीरो स्टोर हो जाएगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग चलते हैं। अब व्हाइल लूप का काम क्या है सबसे पहले देखते हैं, व्हाइल लूप का प्रोटोकॉल क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग व्हाइल लिखेंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिंटेक्स हाईलाइट हो चुका है ब्राउन कलर से। अब पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं। अब व्हाइल से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है मतलब कि हम लोग प्रोग्राम को बोल रहे हैं जब सम का जो वैल्यू है 50 से अंदर होगा, मतलब कि 50 से छोटा होगा, तब तक हम लोग कुछ भी काम करा सकते हैं। अब यहाँ से 50 से छोटा है, हम यहाँ पे वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं या इसमें कुछ और भी कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कोई सा भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा कंडीशन लगाते हैं कौन से प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपने मेन प्रोग्राम और लाइंस ऑफ कोड को लिखते हैं जो कि हमारा प्रोग्राम रन होगा। इसमें तो हम लोगों का कंडीशन चेक होगा कि व्हाइल सम का जो वैल्यू है 50 के अंदर है कि नहीं, तब तक हमारा प्रोग्राम रन होता रहेगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सम इक्वल टू सम प्लस 5। अब इसमें क्या होगा, इस लाइन में हमारा जो प्रोग्राम है चेक करेगा। मैंने सम को इनिशियलाइज़ किया था ज़ीरो से, तो सम का वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो रखेगा, 0 प्लस 5।
अब यहाँ पे सम का वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस 5, यानी कि 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेगा हम लोगों का प्रोग्राम, सीरियल डॉट प्रिंट। अब मैंने सीरियल मॉनिटर का यूज़ किया है तो उस पर प्रिंट भी कुछ करूँगा मैं, तो यहाँ पे मैंने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए सीरियल डॉट प्रिंट लिखा है मैंने। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे सम इक्वल टू। अब ये क्या करेगा, सम इक्वल टू लिखेगा, उसके बाद हम लोग सम की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं सीरियल डॉट प्रिंट लाइन मैंने लिखा है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है इसमें। अगर मान लीजिए मैंने सीरियल डॉट प्रिंट लाइन नहीं लिख के डायरेक्ट मैं लिखता सीरियल डॉट प्रिंट, तो इसमें हमारा प्रोग्राम जो क्या होता कि लाइन बाय लाइन जो नेक्स्ट लाइन के लिए इंटर नहीं होता वो एक साथ कंटिन्यू करना स्टार्ट हो जाता। यानी कि सबसे पहले प्रोग्राम हमारा सम का वैल्यू प्रिंट करता, जस्ट उसके बगल में फिर दूसरा वैल्यू प्रिंट करता, फिर उसके बगल में दूसरा वैल्यू। तो इसके लिए हम लोगों को नए लाइन के लिए, न्यू लाइन के लिए सीरियल डॉट प्रिंट लाइन यूज़ करते हैं। अब हमारा सम इक्वल टू, सम का जो वैल्यू है प्रिंट हो जाएगा। अब हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन में दूसरी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो गाइस यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लाइन में हमारा प्रोग्राम जो है 4000 मिलीसेकंड के लिए प्रोग्राम डिले पे जाएगा। अब यहाँ पे 4000 मिलीसेकंड के लिए मैंने प्रोग्राम को डिले पे इसलिए रखा क्योंकि हम लोग वैल्यू को प्रिंट होते हुए देख सकें थोड़ा धीरे, थोड़ा कम स्पीड में। अगर यहाँ पे मैंने डिले नहीं लगाया तो बहुत फास्ट हमारा वैल्यू जो प्रिंट होगा, और कभी सीरियल मॉनिटर बहुत स्लो हो जाता है, स्लो रहता है कोई कोई डिवाइस में तो काम भी नहीं करता, हम लोगों को दिखेगा भी नहीं। इसलिए हम लोगों को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 4400 मिलीसेकंड का डिले। चलिए हम लोग अपने प्रोग्राम को अर्डिनो में अपलोड करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है सही से रन हो रहा है कि नहीं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है USB डिटेक्ट कर चुका है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे सबसे पहले। हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल फिनिश हो चुका है, अब इस प्रोग्राम को हम लोग अपलोड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सीरियल जो मॉनिटर इनिशियलाइज़ किया था मैंने 250000 मैंने रखा था। तो अगर किसी केस में काम नहीं करता तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ सेटिंग वाले आइकन पे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं सीरियल डॉट बिगिन में आप लोग ये सारे वैल्यूज़ को दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे लास्ट वाला वैल्यूज़ को चूज़ किया था, यहाँ से चूज़ कर लिया मैंने। अब मैं अपने आर्डिनो को एक बार रीसेट करूँगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है प्रिंट हो रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 50 तक हमारा वैल्यू गया, फिर से वो रीसेट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अपने कोड को वाइल्ड लूप नाम के फंक्शन के अंदर लिखा था, ये रिपीटेडली रिपीट हो रहा है। तो गाइज हमारा वाइल्ड लूप वाला जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वाइल्ड लूप का काम समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डू वाइल लूप के ऊपर कि डू वाइल लूप हमारा प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो गाइज चलिए हम लोग अब समझते हैं डू वाइल लूप कैसे काम करता है। तो गाइज आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डू वाइल लूप का जो कोड है उसे कॉपी कर लिया है। अब कॉपी करने के बाद आप लोगों को वॉइड सेटअप के अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है, वहाँ पर सब जो कि वाइल लूप वाले कोड में था सेम यहाँ पर डू वाइल लूप वाले कोड में ही है। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, हम लोग डू वाइल लूप को समझते हैं कि क्या होता है। तो वाइल लूप वाले फंक्शन के अंदर आएंगे हम लोग। अब सेम हम लोगों को वेरिएबल डिफाइन किया हुआ मिल रहा है यहाँ पे, मैंने सेम वेरिएबल डिफाइन किया इंट सम इक्वल टू 0। अब इसको इसका जो लिखने का प्रोटोकॉल है कुछ इस टाइप से है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को डू वाइल लूप यूज़ करने के लिए हम लोगों को उसको लिखना आना चाहिए कि वो कैसे लिखाता है। अगर ज़रा सा भी मिस्टेक होगा तो हम लोगों को प्रोग्राम में एरर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डू, उसके बाद उसके जस्ट बगल से ही हम लोग कर्ली ब्रैकेट के यूज़ कर सकते हैं उसके नेक्स्ट लाइन से ही। तो मैंने यूज़ किया है नेक्स्ट लाइन से, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन से मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया है, ये ओपन कर्ली ब्रैकेट है और इसका जो क्लोज कर्ली ब्रैकेट नीचे है। अब उसके बाद हम लोग वाइल लिखते हैं। अब पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग अपने कंडीशन को लगाते हैं। अब कंडीशन लगाने के अंदर क्लोज पैरेंथेसिस के बाहर आकर हम लोग सेमी कोलोन से टर्मिनेट करते हैं इसको। तो गाइज ये हो गया इसको लिखने का प्रोटोकॉल। अब ये काम कैसे करता है, लास्ट वाले कोड में हम लोगों ने देखा था कि वाइल लूप काम करता है कंडीशन देने के ऊपर। अब वाइल लूप मतलब कि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक करते हैं,
कोई सा भी कोड रन नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं, उसके बाद ही कोई कोड रन होगा। तो ये हो गया वाइल लूप का फीचर्स। लेकिन गाइस मान लीजिए कि हम लोगों को बहुत सारे प्रोग्राम में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोगों को कोड को रन कराना होता है एक बार, कम से कम तो एक बार रन कराना ही होता है, इन केस कभी ज़रूरत पड़ जाता है हमारे प्रोग्राम में। तो उस केस में हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है डू वाइल लूप का। तो गाइस बेसिकली डू वाइल लूप करता क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम है, जो आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है डू, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट दिया है। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड हम लोग लिखेंगे, वो जितना कोड लिखेंगे हम लोग एक बार जरूर रन होगा। मतलब कि जितना हम लोग इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड लिखेंगे वो कोड रन हो जाएगा पहले, उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है कंडीशन चेक करेगा। तो गाइज लास्ट वाले प्रोग्राम से और इस वाले प्रोग्राम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे डू वाइल का यूज़ किया है, सिर्फ डू का यूज़ किया है। और वाइल जो था प्रोग्राम के टॉप पे था, यहाँ से बॉटम में चला आया, यानी कि हमारा प्रोग्राम सबसे पहले रन होगा, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगा। तो इसमें इस प्रोग्राम में क्या होगा, सबसे पहले जो प्रोग्राम हम लोग का यहाँ से डायरेक्टली जंप करेगा डू पर, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोगों का प्रोग्राम चेक करेगा। सम का जो वैल्यू है यहाँ पे 0 प्लस 5, सम का जो वैल्यू है 5 कर देगा। अब इस वाले सब में वैल्यू होगा स्टोर हो जाएगा 5। अब इसको क्या करेगा, सीरियल डॉट प्रिंट सम इक्वल टू सम का जो वैल्यू है हमारा प्रिंट कर देगा। 400 मिली सेकेंड के लिए डिले पर जाएगा हमारा प्रोग्राम, उसके बाद हम लोगों का प्रोग्राम चेक करेगा कंडीशन को। वाइल सम इज़ लेस देन 50, जो सम का जो वैल्यू है 50 से छोटा है कि नहीं, तो हाँ हमारा सम का वैल्यू 50 से छोटा है, 5 था तो प्रिंट हो चुका था। अब नेक्स्ट फिर से चलेगा प्रोग्राम, रन होगा ऊपर में। अब सम का जो वैल्यू है 5 हो चुका था, अब 5 इक्वल टू 5 प्लस 10, 5 प्लस 5 कितना होता है, 10 होता है। तो अब हमारा प्रोग्राम जो क्या क्या करेगा, सम इक्वल टू 10 प्रिंट करेगा। अब 400 मिली सेकेंड के डिले पर फिर जाएगा, उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि सम का जो वैल्यू है 50 से छोटा है कि नहीं। जैसे 50 को टच करेगा हमारा प्रोग्राम जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, फिर से वो 0 से स्टार्ट होगा, यानी 5 से स्टार्ट होगा। तो गाइज चलिए आप लोगों को यहाँ तक प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब इस प्रोग्राम को हम लोग अपने आर्डिनो में अपलोड करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को क्या रिजल्ट मिलता है। कंपाइलेशन फिनिश हो चुका है, अब हम लोग अपने प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। अब एक बार रीसेट करेंगे हम लोग अपने आर्डिनो को। अब गाइज आप लोग देख सकते हैं इसमें सेम वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वाइल लूप और डू वाइल लूप का यूज़ समझ में आ चुका होगा विथ प्रैक्टिकल के साथ। मैंने इस वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ बताया कि कैसे ये वाइल लूप और डू वाइल लूप काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।